हेलो एवरी वन माई नेम इज तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग एन पी सी द चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड वेलकम यू ऑल इन माई क्लास आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस ओके प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी एंड डिडक्टिंग द रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज ये टू टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम परपज तो ये दोनों टॉपिक्स आज की क्लास में हम सीखते हैं ओके सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है सिंपली आप ये कह सकते हैं कि, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप सेम डायमेंशंस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप लेंथ और मास को ऐड नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लेंथ लेंथ में ही ऐड होगा एंड मास मास में ही लेंथ होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट वन एंड अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस ठीक है फिजिकल क्वांटिटी इसको आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशंस क्या है सेम हो ठीक है और जैसे आपके पास कोई फॉर्मूला है फार्मूले में सभी जो टर्म्स हैं ठीक है सो फॉर्मूले so की जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो सेम डायमेंशंस की होना चाहिए तभी वो फार्मूला वैलिड होगा ठीक है ये एग्जाम्पल से हम और भी क्लियर कर लेंगे ये कॉन्सेप्ट अभी आपको एक और जो पॉइंट रिमेम्बर करना है वो ये है द टर्म्स विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट है और सेम डायमेंशंस ठीक है जो भी टर्म्स आप एड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डायमेंशंस सेम होना चाहिए ओके मींस अगर आपके पास लेंथ है ठीक है लेंथ गिवन है और मास गिवन है और दोनों को आप एड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है आप फाइव के जी एंड टेन मीटर को ऐड नहीं कर सकते ठीक yes, है फाइव के जी प्लस टेन के जी यस ये सेम फिज़िकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन से तो ये एड होंगी ठीक है ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है ऐड भी हो सकती यहां है बट यहाँ डिफरेंट है फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है देखिए फर्स्ट में लेंथ है सेकंड में मास है तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्लियर है अब एग्जाम्पल एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इजीली क्लियर कर पाएगा ठीक है सो हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ठीक है ये जनरल इक्वेशंस है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है उनमें से हमने एक इक्वेशन लिया ओके एंड वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं ठीक है मेंट यू इज इनिशियल वेलोसिटी टी इज टाइम ओके एंड ए इज एक्सेलरेशन क्शन ठीक है तो देखिए इस एग्जाम्पल में इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं ठीक है ये फर्स्ट टर्म है आपका और ये सेकेंड टर्म है तो हमने ये बोला कि द टर्म्स विच आर एडेड और सब्टेक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है आपका ये फर्स्ट टर्म है इसकी जो डायमेंशंस है अगर आप इसकी इक्वेट कर रहे हैं डिस्टेंस के इक्वेट कर रहे हैं तो इसकी जो डायमेंशंस है वो एस के या डिस्टेंस के इक्वल होने चाहिए एंड अदर टर्म्स हैं ए टी हाफ ए डी स्क्वायर इसका डायमेंशंस भी एस के इक्वल होना चाहिए तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ठीक है अगर आपके पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन ट्रू है ठीक है वो फार्मूला ट्रू है बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो हंड्रेड परसेंट इनकरेक्ट इक्वेशन होगी ठीक है ये श्योरिटी है बट अगर डायमेंशन करेक्ट आ जाए तो ये आपके पास श्योरिटी नहीं है कि इक्वेशन या फॉर्मूला करेक्ट है ठीक है बट इनकरेक्ट होने पर आप श्योर हो जाते हैं कि ये करेक्ट नहीं है ओके अब हम देखते हैं टर्म्स वाई ठीक है वन बाई वन टर्म्स इक्वेट करेंगे डाइमेंशंस ऑफ एल एच एस एंड डायमेंशन ऑफ आर एच एस ठीक है तो यहाँ हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस ठीक है dimension, dimension RHS, इक्वल होगा तभी इक्वेशन करेक्ट होगी डायमेंशनली करेक्ट होगी एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल होंगे तभी डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगी ओके okay. इसे प्रूफ करने के लिए देखिए फर्स्ट जो हमारा टर्म है यू टी उसको इक्वेट करना होगा एस के साथ बट पहले डायमेंशन ऑफ एस ठीक है एल एच एस की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा एस मीन्स डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है लेंथ ठीक so, है एल एंड फर्स्ट टर्म यू टी सो यू टी यू क्या है वेलोसिटी एंड टी टाइम सो वेलोसिटी के लिए डाइमेंशनल फॉर्मूला एल टी पावर माइनस वन एंड टाइम के लिए टी ओके okay, ये माइनस वन है इधर प्लस वन है सो कैंसल आउट हो जाएगा मीन्स टी की पावर जीरो सो आपके पास ओनली एल बचा ठीक है एंड नेक्स्ट टर्म इस ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायेर यहाँ पर अगर हाफ ए टी है या फिर टेन ए टी है फाइव ए टी है प्योर नंबर से कोई मतलब नहीं प्योर नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है ठीक है डायमेंशन लेस होता है तो यहाँ पर आपको ए टी स्क्वायर लेना है हाफ का यहाँ पर कोई सेंस नहीं रह जाता सो ए टी स्क्र ए फॉर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू एंड टी स्क्वायर ओके ये टी की पावर माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट सो हियर वी हैव एल सो आप देख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस ओके सभी की सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है इसका मतलब है हैंस दिस इक्वेशन हैंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट ओके ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो गई करेक्ट हो गई ओके okay. एक और एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ओके लेते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर ठीक है ये सेंट्रीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है अब एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर हियर एफ इज फोर्स एम इज मास v इज वेलोसिटी, r इज लेंथ ठीक है या रेडियस बोल सकते हैं रेडियस को लेंथ ही बोलेंगे सो so, यहाँ पर आपको यही प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस तो एफ के लिए डायमेंशन ऑफ एफ फोर्स के लिए डायमेंशन क्या हमने डिराइव किया था लास्ट के लेक्चर में एम एल पी पावर माइनस टू ओके ये डायमेंशनल फॉर्मूले जो बेसिक्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए देन आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं ठीक है एंड अगेन डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वेर अपॉन आर तो इससे आप एम के लिए डायमेंशन कैपिटल एम वी मीन्स वेलोसिटी वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन ओके बट स्क्वायर है सो so स्क्वायर कर देंगे एंड आर लेंथ सो एल हियर एम एंड एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ एल स्क्वायर एंड टी पावर माइनस टू ओके अपॉन एल एल की पावर माइनस वन हो जाएगा ठीक है न्यूमरेटर में जाएगा सो so सो एम एल की पावर वन टी पावर माइनस टू ओके सो देखिए डायमेंशंस ऑफ एल एच एस एंड डायमेंशन ऑफ आर एच एस विल बी इक्वल हैंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हमारा इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हो चुका है क्लियर है तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी सिंपल सी बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिटी में सेम डायमेंशंस सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हैं सेपरेक्ट कर सकते हैं ठीक है डिड्यूसिंग द रिलेशन एम द फिजिकल क्वांटिटीज ओके पी क्यू शॉर्ट फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज ये फॉर्मूले को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं वो हम इस पॉइंट में सीखेंगे ठीक है मीन्स आपको सिंपली कोई फॉर्मूला पता है ठीक है हम मान लेते हैं कि f इज इक्वल टू एम ए ये तो आपको पता ही है ये लर्न है बट अभी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला नहीं पता है ठीक है अब हम इसे डिराइव करेंगे अब हम इसे क्या करेंगे डिराइव करेंगे तो किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए एल एच एस एंड आरएचएस के डायमेंशंस इक्वल हैं ये हम मान के चलेंगे क्या मान के चलेंगे एल एच एस एंड आरएचएस के डायमेंशंस इक्वल हैं ठीक है थीके? और क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल ठीक है F का मतलब क्या है फोर्स फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द मास ठीक है क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है कि फोर्स टू क्वांटिटीज पर डिपेंड है मास m एंड सेकेंड है एक्सल एक्सेलरेशन तो आपको फॉर्मूला डिडक्ट करना है ठीक है मास एक्सलरेशन एंड फोर्स के बीच जो रिलेशन होता है वो डिडक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल को लेके चलना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ एल एच एस आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आर एच एस ठीक है डायमेंशंस दोनों के सेम होने चाहिए अब ये फॉर्मूला जो है एफ है एफ किस पे डिपेंड है मास पर एंड एक्सेलरेशन पे तो डिपेंडिंग क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सॉरी एम एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बट अभी हमें ये नहीं पता है कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है तो आप m की पावर को x सपोज कर लें ठीक है और सेकेंड वाला जो वेरिएबल है उससे आप y सपोज कर लें एक की पावर को y सपोज कर लिया आपने अगर आपके पास x की वैल्यू वन आती है तो आप ये श्योर हैं कि m f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अगर f की पावर माइनस वन आती है तो आप ये श्योर हैं कि f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m. तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है डायमेंशंस ठीक है x, y और अगर तीसरा टर्म डिपेंडेंसी होती तो उसे हम z कंसीडर करते हैं क्लियर कितनी बात क्लियर है ठीक है अब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइन को सेम वेरिएबल पर डिपेंड है तो हम इसे क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं मिस f एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर एक्स एंड ए पावर y अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है ठीक है एफ एम की पावर एक्स एंड ए की पावर ए. वेर के के इज डाइमेंशनल लेस कांस्टेंट. के को क्या बोलते हैं डायमेंशन लेस ठीक है less, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है. ये डायमेंशन लेस होता है कॉन्स्टेंट एंड इस पॉइंट में डिडक्शन ऑफ रिलेशन एम द फिजिकल क्वांटिटी इसमें एक लिमिटेशन है कि ये k की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता ओके okay, k की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि k की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट वन होती है तो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर k की वैल्यू को आप वन पुट करें तो आपके पास f इज इक्वल्स टू एम की पावर x एंड a की पावर y मिला क्लियर अब हमने क्या किया डायमेंशंस ऑफ एल एच एस एंड डायमेंशंस ऑफ आर एच एस ये इक्वेट करना है आपको ठीक है क्या करना है आपको डायमेंशंस ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस ये आपको लेके चलना है ओके सो डायमेंशन ऑफ एफ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सो so, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू क्लियर एंड फॉर मास देन हम एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे ओके सो वी गेट एफ इज इक्वस टू यहाँ एम पावर एक्स सो एम पावर एक्स के प्लेस पे वन ओके एंड वाई के प्लस पे वन सो एफ इज इक्व टू एम ए ये आपका इक्वेशन हो गया ठीक है एक्स एंड वाई की वैल्यू को आपने ये जो आपका इक्वेशन है मैन इक्वेशन एम पावर एक्स एंड ए पावर वाई इसमें पुट किया सो एफ इज इक्वल टू एम ए यू गेट द मैन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्लियर है अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके एन बुक में है ओके okay, आपको दिया है टाइम पीरियड टी ठीक है और टाइम पीरियड टी कि जो डिपेंडेंसी है टी डिपेंड करता है एल पर एल मींस लेंथ ओके एल मींस लेंथ एंड जी पर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम एम इज द मास ऑफ द बॉडी ओके मास ऑफ द बॉडी मीन्स जो टाइम पीरियड है टी वो एल जी एंड एम पर डिपेंड करता है अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है फॉर्मूला क्या है वो नहीं पता है वो ही आपको डिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ऑफ एल एच एस एंड डायमेंशन ऑफ आर एच एस को इक्वेट करके ओके मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमाइजनिटी यूज कर ठीक है तो यहाँ पर वन बाय वन हम टी की डिपेंडेंसी को देखेंगे टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है एक्स की पावर माइनस वन होगी सो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एंड एक्स की पावर अगर जीरो है मीन्स टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल क्लियर है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर एक्स एंड टी इज डिपेंडेंट ऑन जी ठीक है जी की पावर अब वाई ले लें एंड थर्ड वन इज एम मास सो मास की पावर आप जेड ले लें ठीक है ये थ्री वेरिएबल्स हो गए और तीनों को क्या कर दिया आपने कंबाइन कर दिया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर एक्स जी पावर वाई एंड एम पावर जेड अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया तो एक कॉन्स्टेंट ओके कॉन्स्टेंट हमने के पुट किया यहाँ के टू एल पावर एक्स जी पावर वाई एंड एम पावर सेट ओके अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में के की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली वन नहीं होती के की वैल्यू जो होती है वो टू पाई होती है तो एट द लास्ट लास्ट में जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे देन के की वैल्यू को टू पाई कंसिडर करेंगे और के की वैल्यू को टू बाई पुट कर देंगे ओके okay. सो so, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना है ठीक है डायमेंशन ऑफ एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस ठीक है सो डायमेंशन ऑफ टी टी मीन्स टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है टी ओके हियर के एज इट इज एल एल मीन्स लेंथ लेंथ के लिए एल की पावर एक्स है जी जी फोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एल डी माइनस टू पावर वाई एंड एम पावर जेड सो एम मीन्स मास मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन्स में एंड पावर जेड ओके इसे थोड़ा इजिएस्ट वे में लिखते हैं यहाँ टी की पावर वन है मीन्स टाइम पीरियड है बट मास नहीं है तो मास जो है उसके लिए एम पावर जीरो हो जाएगा एंड एल पावर ज़ीरो एंड टी पावर वन ओके के एल पावर एक्स यहाँ एल पावर क्या हो जाएगा वाई ओके एल पावर वाई तो एक्स प्लस वाई कॉमन बेस्ट कॉमन है सो so एक्सपोनेंट या पार्स एड हो जाती है ओके एंड टी पावर माइनस टू वाई टी पावर माइनस टू वाई और m पावर z ठीक है इसे एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में हम लिख लेते हैं m पावर जीरो l पावर जीरो t पावर वन एंड m पावर z l पावर x प्लस वाई एंड t पावर माइनस टू वाई ओके ऑन इक्वेटिंग अब इक्वेटिंग करेंगे पावर्स को इक्वेटिंग the powers so z is equals to zero okay x plus y okay l ki power x plus y here l power zero so x plus y is equals to zero and minus 2 y is equals to 1 so we have y is equals to minus 1 by 2. ओके okay, वाई की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई आपके पास इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सो वी गेट एक्स जिक्वस टू प्लस वन बाई टू बिकॉज एक्स प्लस वाई जीक्व टू जीरो सो एक्स एंड वाई की वैल्यू प्लस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू एंड जेड इज जीरो ओके सभी पार्ट्स की जो वैल्यू है उनको आप इस इक्वेशन में मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे सो वी गेट द फॉर्मूला ठीक है टी जिक्वल टू के एल पावर एक्स मींस एल की पावर वन बाई टू ओके जी की पावर माइनस वन बाई टू एंड एम की पावर कुछ नहीं है मीन्स जीरो ठीक है सेठ जीरो है सो जीरो अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी टर्म की पावर जीरो होना इसका मतलब क्या हुआ वैल्यू वन है ओके सो एम की पावर जीरो मीन्स वन ठीक है इसके प्लेस पे हम वन पुट कर देंगे सो वी गेट के अब जो एल पावर वन बाई टू और जी पावर माइनस वन बाई टू है तो इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं अंडरवुड एल अपॉन जी ठीक है तो क्योंकि वन बाई टू जो होता है वो रूट की वैल्यू होता है ठीक है सो t इज इक्वल टू के की वैल्यू टू पाई पुट कर दीजिए सो so, टू बाई अंडरवुड एल अपॉन जी ये हुई आपकी फाइनल इक्वेशन ओके ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया मीन्स इजीली आप डायमेंशन फॉर्मूले से क्या फाइन कर सकते हैं एक पूरा रिलेशन ठीक है रिलेशन बिटवीन द एल एच एस एंड आरएचएस टर्म्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओके ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम पूरा जो चैप्टर है चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर करने के बाद में हम उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे उसमें और भी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे ओके okay, आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे देन वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज ओके ये दो तीन टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में सो so, आप ये कवर करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच